हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। सिक्स क्लास इंग्लिश मीडियम साइंस की ये आपकी क्लास लेसन टू। कल अपना लास्ट वीडियो के अंदर लेसन टू के बारे में मैंने डिक्टेट किया था, स्टार्ट किया था लेसन टू, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में मैंने आपका स्टार्टिंग में बता दिया था बेटा। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड नेम है जो लेसन का, इसका मतलब ये है कि फूड के कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानना है। जो मैंने इसमें स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि कैसा फूड होना चाहिए, फूड में किस तरह से कितनी भी चीज़ें उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, डाइट आपकी जो है उसके अंदर किन सब्सटेंसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपका कंपोनेंट्स, फूड कंपोनेंट्स यानी कहलाता है। और फूड कंपोनेंट्स में आपका इम्पोर्टेंस रोल आपके फाइव, जो आपके फाइव पॉइंट मैंने डिक्टेट किए थे, फर्स्ट आपको एक बार और बता दूँ, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट, फोर्थ विटामिन एंड फिफ्थ मिनरल्स। मिनरल्स के साथ जस्ट कॉम्बिनेशन वाटर का है। तो बेटा सिक्स आप क्लास में ये चीज़ें आपके लेसन टू के अंदर बताई गई हैं कि फूड कंपोनेंट्स में अगर आपको देखना है तो उसके कंपोनेंट्स के बारे में अंदर से भी जानना है वो कंपोनेंट्स क्या है। जैसे मैंने कल बोला था आपको प्रोटीन्स के बारे में, तो प्रोटीन को और क्या कहते हैं बेटा, बॉडी बिल्डिंग फूड। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। और फैट को क्या बोलते हैं, वो भी एनर्जी गिविंग फूड, पर मच मोर बेटर कंपैरिजन देन कार्बोहाइड्रेट, यानी लार्ज एनर्जी अमाउंट रिलीज होता है फैट्स। लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको कि एक्सेस हो जाए फैट तो भी आपका क्या प्रॉब्लम होता है, तो कई तरह का डिजीजेस आपका बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि फैट का एक्सेस होना भी आपके लिए सही नहीं है, यानी वो भी आपके डिजीजेस का ही रीज़न बनता है। उसी तरह से ज़्यादा होना, अगर आप फैटी फैट सोचें खाते जाएं हम ज़्यादा एनर्जी फुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर वो आपका स्वेलिंग, पूरे बॉडी पर स्वेलिंग शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है, वो एनर्जी की जगह पे कुछ और डिजीजेस हो जाते हैं बल्कि आपको। अगर कमी है तो भी डेफिशिएंसी है तो भी डिजीजेस का रीज़न है, आप थकावट महसूस करोगे, आपको एनर्जी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि फैट का एक डेफिनेट अमाउंट में ही हमें लेना चाहिए। अब उसके बाद आज आपके तीन पॉइंट के डिस्कशन हो चुके हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। मैं फिर से बता दूँ, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, और प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, एंड मच मोर कंपैरिजन देन कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम फैट की प्रोडक्ट। एंड फोर्थ पॉइंट विटामिन, ये आज आपके लेक्चर में लिए मैं डिक्टेट करूँगी। विटामिन्स आप इसकी स्क्रीनशॉट या पिक ले लेंगे बेटा, ताकि आपको पॉइंट्स मिल जाएं। और पॉइंट्स के अंदर मैंने कैसे कैसे इसको समझाया है वो पूरा चार्ट तैयार करते हुए आपको नोट्स मेंटेन करना है, अपना नोट्स बनाना है, तो जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम ना आए। आप पर डे ऐसा करोगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, याद होता जाएगा। विटामिन्स, विटामिन्स क्या होते हैं बेटा, देखो मैंने आगे इसको डिस्क्राइब किया, आप लिखना है इस तरह से, आप इसको इसको डायरेक्ट ऐसे वीडियो से ले लें। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीज। विटामिन के बारे में आपको एक लाइन ये भी जाननी है, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, यानी ये डिजीजेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जिसके लिए इसका मेन इम्पॉर्टेंस रोल है। तो जस्ट बेटा विटामिन को आप इस तरह से क्लेरिफाई करोगे, तो लाइन एक बार फिर से देखना, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, यानी अपनी बॉडी में जो डिजीजेस होए या होने वाली है उससे ये प्रोटेक्ट करता है, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल है आपका विटामिन। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है देयर आर 13 विटामिन, फाइंड आउट देयर आर 13 विटामिन फाउंड आउट, एंड
13 विटामिन्स के बारे में खोज हो चुकी है, सर्च हो चुका है, जिनके अपने अलग अलग नेम भी रख दिए गए सिंबॉलिक लेटर के अंदर, सिंबॉलिक लेटर के अंदर, यानी जो उनका कुछ ऐसे नंबरिंग के साथ इंक्लूड किया गया है अल्फाबेटिकल को, अल्फाबेटिकल और नंबर यानी न्यूमेरिक एंड वॉवेल दोनों को मिक्स करके इसके सिंबल्स लिए गए हैं या डिसाइड किए गए हैं सिंबॉलिक, ठीक है, सिंबॉलिक लेटर में। तो 13 विटामिन्स आपके ये आपके फाइंड आउट हो चुके हैं। उसके बाद आपको बेटा टाइप्स ऑफ विटामिन जानना है। टाइप्स ऑफ विटामिन 13 विटामिन्स ये आपका नंबर्स है, नंबर्स ऑफ 13 विटामिन्स फाइंड आउट। टाइप्स ऑफ विटामिन के अंदर आपको दो पॉइंट डालने बेटा, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। इसका मतलब क्या हुआ कि विटामिन के अगर टाइप की बात करें तो दो तरह के विटामिन होते हैं, या तो फैट सॉल्युबल होते हैं या फिर वाटर सॉल्युबल। इसका मतलब समझे आप, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वो चिकनाई कुछ ऐसा होगा जो आयली या ग्रीसिंग ऐसा मटेरियल्स के अंदर सॉल्युबिलिटी दिखाएंगे, और वे जो विटामिन जो है वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं वाटर होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं जस्ट कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन, एंड जो वाटर के अंदर अपनी सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं जस्ट कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन। एंड फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर आपको एनालाइज करके मैंने अलग से इसमें समझाया हुआ है कि फैट सॉल्युबल के अंदर आपके कितने विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, कितने विटामिन हो गए बेटा 4। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ विटामिन जस्ट कॉल्ड फैट सॉल्युबल एंड नंबर्स इज नंबर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एंड सेकेंड आपका है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल के अंदर आपका B1, B2, B3, B6, B12 एंड C, एंड इसका अगर आपको इंक्लूड किया जाए तो 6 विटामिन, देन 6 एंड यहाँ पर आपका 4, देन 2 का आपको अभी एनालाइज नहीं, यानी 3 का एनालाइज नहीं किया गया है, इसका उसके बारे में डिस्कशन नहीं है। तो आपका फैट सॉल्युबल के अंदर कितने विटामिन देखे आपने, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यानी 4 आपके विटामिन किसके अंदर आते हैं बेटा, फैट सॉल्युबल। एंड वाटर सॉल्युबल के अंदर कितने विटामिन आ गए आपके इसमें, 6, B1, B2, B3, B6, B12 एंड C। तो आपके 6 विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी अपनी रेपिडली दिखाते हैं और ये फैट के अंदर सॉल्युबिलिटी को प्रेजेंट करते हैं। तो विटामिन के बारे में आपको ये डिस्क्रिप्शन क्लियर हुआ। इसके बाद हम चलते हैं आपके लेसन में ही इसी हिसाब से पैटर्न वाइज चल रहे हैं। आपका डिस्क्राइब किया गया है बेटा मिनरल्स, तो आपका 5th पॉइंट आ गया आपका, जो आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर आपको जानना है अब मिनरल्स। मिनरल्स मिनरल्स के बारे में आप क्या जानेंगे, इसके बारे में भी मैंने एक लाइन लिखी हुई है इधर देखें। दीज आर नीडेड टू हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स बिल्डिंग मसल्स ऑफ द बॉडी। ये आपको क्लियर हुआ क्या लिखा है मैंने मिनरल्स के बारे में एक लाइन बेटा। दीज आर नीडेड टू हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स बिल्डिंग मसल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये जो दीज आर नीडेड टू हैव, यानी हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे मसल्स को तैयार करने के लिए, यानी कि उसके ग्रोनेस के लिए, उसके ग्रोइंग के लिए, उसके बिल्डिंग के लिए, उसका फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेशन के लिए, एक नया रूप देने के लिए मसल्स को, वो आपकी मिनरल्स हेल्प करता है। तो मिनरल्स का नीडेड होता है, मिनरल्स नीडेड होता है, यानी कि अगर आपको अपनी बॉडी के यानी बॉडी के रिलेशन में अगर आपको अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है या मसल्स की बिल्डिंग करनी है, मसल्स को रिपेयरिंग करनी है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, देन आपको यूज़ करना है मिनरल्स। मिनरल्स जस्ट सपोर्ट इन बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बोन्स, ये जस्ट उसका फंक्शन है। तो फंक्शंस ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ नीडेड टू स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड बिल्डिंग मसल्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद आप यहाँ पर जानेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स में आपको बेटा 2 टाइप्स ऑफ दिखाना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स जस्ट फॉर मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स।
मेजर मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स जो मेजर अमाउंट में हमें ज़्यादा लेने चाहिए, यानी कि हम ज़्यादा लेना तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, पर ट्रेस मिनरल्स जो हमें कम लेने चाहिए, जैसे मेजर मिनरल्स में आप ले सकते हो फॉस्फोरस है, सल्फर है, ऐसे जो आपके हैं मिनरल्स वो आप अगर ज़्यादा भी ले लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, जैसे सल्फर और फॉस्फोरस। लेकिन अगर ट्रेसिंग में आपका जैसे आयरन और जिंक है इसके एग्जांपल, तो अगर आप आयरन और जिंक को आप ज़्यादा ले लोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम बॉडी के अंदर करेगा। तो ये आपको रीज़न समझ में आ गया, तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स में आपको ये दोनों आई पर समझाना है। इसमें टाइप्स ऑफ मिनरल्स में आपको दोनों डिस्क्राइब करना है। तो बेटा फर्स्ट टाइप क्या है आप लिख लेना है, मेजर मिनरल, एंड सेकंड ट्रेस मिनरल। मेजर मिनरल का मतलब है मच अमाउंट ऑफ मिनरल्स, जस्ट कॉल्ड मेजर मिनरल, एंड लेस अमाउंट ऑफ मिनरल जस्ट कॉल्ड ट्रेस मिनरल। एंड एग्जांपल्स ऑफ मेजर मिनरल्स इज कॉल्ड एग्जांपल्स ऑफ मेजर मिनरल्स जस्ट से वी कैन से दैट सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। एंड ट्रसिंग में ट्रस मिनरल्स का एग्जांपल, तो आप एग्जांपल्स ऑफ ट्रस मिनरल्स जस्ट वी कैन से जिंक एंड आयरन एंड कोबा। तो ये सारी चीज़ें आपको कम लेनी चाहिए, क्योंकि इनका मच होना, इनका ज़्यादा होना वो डिजीज का रीज़न बन जाता है। अच्छा, अब देखिए बेटा नोट, नोट में मैंने कुछ ये बात लिखी है जो इम्पॉर्टेंट है। ये मिनरल्स को आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, तो आपने आज विटामिन एंड मिनरल्स जाना। बेटा वाटर के बारे में रह गया, वाटर के बारे में आपको एक चीज़ बताओ, वाटर के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी बॉडी के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट तो कितनी है और कितना आपको यानी उसको लेना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर सबको पता है, यानी 70% आपकी बॉडी के अंदर वाटर है। तो 70% आपको अपनी बॉडी के अंदर वाटर को लेना पड़ता है। मैक्सिमम आपके बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना चाहिए। तो वाटर की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है, जिसकी नीडेड को आपको पूरा करना होता है। अगर आप वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते, वाटर आप अमाउंट में कम लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर वो भी डिजीज का रीज़न बन जाता है। यानी वाटर, और वाटर बेटा आपको पता ही है डाइजेशंस में आपको रिलीफनेस करता है, आपकी यानी मसल्स के लिए भी सही है, आपके हर एक चीज़ के लिए। वाटर के बगैर तो हमारा रहना भी पॉसिबल नहीं है। वाटर आपका खुद आपकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी सिस्टम हैं, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। तो वाटर का रोल आपकी बॉडी में तो इम्पोर्टेंस है, तो वाटर की नीडेड तो आपकी बॉडी के अंदर है, जिसको आपको रिक्वायरमेंट को कम्प्लीट करना होता है। तो वाटर के इम्पोर्टेंस रोल आपकी बॉडी के अंदर तो आप जानते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर मैंने 6 पॉइंट पूरे आपके क्लियर हो गए, एंड 5th पॉइंट मिनरल्स, एंड 6th पॉइंट आप दोगे वाटर, एंड जस्ट कंप्लीट द मैटर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये आपको अच्छे से क्लियर रखना है, ये सारी आपको एज ए नोट नोटबुक के अंदर डालना है। पॉइंट एंड हेडिंग यहाँ से रहेंगे, बाकी अपना अंडरस्टैंड पार्ट अपना अंडरस्टूड होके वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, और जितनी भी बातें मैं समझाई हूँ ना उसको समझ के लिखेंगे। तो वाटर के बारे में बेटा आपको समझा एक बार फिर से बता दूँ, वाटर की रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी के अंदर 70% होती है, यानी 30% अन्य चीज़ों की है, तो 70% रिक्वायरमेंट हमें वाटर की होती है। हर सिस्टम को चाहिए वाटर, हर सिस्टम को अपना फंक्शंस कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए। हमारी बॉडी को एक अच्छा यानी मैकेनिज्म देने के लिए भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी बॉडी डिजीजेस से भी बच सके, इसके लिए भी कई सारी चीज़ें आपके वाटर पे ही डिपेंड करती हैं। जस्ट अमाउंट आप यानी वाटर का जो अमाउंट है वो आपकी बॉडी के लिए एक नीडेड है, एक आपके लिए ज़रूरत है, उसके बगैर आपकी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। तो वो एक तरीके से लाइफ प्रोसेस आपका पॉसिबल, एक लाइफ का एक कह सकते हो पैकेज है, लाइफ का एक मटेरियल है वो।
ठीक है। तो उसके बाद आप नोट पे आते हैं, नोट पे आपका मैंने कुछ लिखा हुआ है रफेस एंड जस्ट कॉल्ड डाइट्री फाइबर, डाइट्री फाइबर जस्ट कॉल्ड। तो रफेस इज जस्ट यानी नेम, अदर नेम डाइट्री फाइबर। डाइट्री फाइबर क्या होता है, कुछ ऐसे हम देखते ही फाइबर होते हैं जिनको लेने से हम कहते हैं हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। आपने सुना होगा कहते हैं अमरूद खाने से बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन हमारा अच्छा हो जाता है। तो इसमें भी आपको जानना है बेटा कि डाइट्री फाइबर के अंदर कुछ तो इनसॉल्युबल होते हैं और कुछ सॉल्युबल होते हैं, यानी अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो इनसॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। तो इसमें इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल फाइबर है। तो आप समझ रहे हो ये कैसे क्या हम बता रहे हैं, कैसे क्या समझ रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे फाइबर हैं जो आसानी से आपके यानी कि जो मिलते हैं वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो यानी सॉल्युबिलिटी फाइबर को प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर इनसॉल्युबल फाइबर हैं तो वो आपको डिजॉल्व नहीं होंगे, वो जल्दी से रेपिडली यानी ब्लड के अंदर सर्कुलेट नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। तो इस तरह के फाइबर में हम अधिकतर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को देखते हैं। अलग अलग तरीके के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रफेज या डाइट्री फाइबर वो होता है जो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करता है डाइजेशन में। तो आप कहते हैं कि वो फ्रूट ले लो तो आपके डाइजेशन अच्छा होगा, वो वेजिटेबल ले लो तो आपका खाना जल्दी पचेगा, ऐसा कर लो तो आपका यानी डिजीज नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट भी होती है उस चीज़ की कि कहीं ना कहीं उसको खाने से हम किसी ना किसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हमने नाम दिया है डाइट्री फाइबर एंड जस्ट कॉल्ड रफेज। तो रफेज या डाइट्री फाइबर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से सुन लें, रफेज या डाइट्री फाइबर क्या है बेटा, ये ऐसे फाइबर हैं जो आपके डाइजेशन प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंस रोल अपना उनका रहता है, यानी कहीं ना कहीं वो हेल्प करते हैं द डाइजेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी फाइबर एंड जस्ट ऑप्टेनिंग इट ऑप्टेनिंग फ्रॉम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। एंड मैनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड रफली रफेज एंड या डाइट्री फाइबर। जस्ट ऑप्शंस आर जैसे आप बता सकते हैं वाटरमेलन, ग्वावा एंड लेमन, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इसके बाद आपको एक पॉइंट का और यहाँ पर डिस्कशन बनता है जो आपको क्लियर करेगा नेक्स्ट, यानी कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। जस्ट आपने बेटा इतनी सारी चीज़ें समझ ली हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस डाइट की ओर भी जाती हैं। तो बैलेंस डाइट क्या होता है ये भी आप समझ लें। बैलेंस डाइट का मतलब ही यही होता है कि ऐसा डाइट जिसमें कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है सारे मिले हुए हैं, यानी इसके बाद जो अपना पॉइंट होगा वो आपका होगा बैलेंस डाइट। तो कितनी बातें आज की आपके लेक्चर के अंदर आ गई, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले अपन ने विटामिन्स के बारे में जाना, विटामिन्स के बारे में आप उसके नंबर्स को जाने, फिर टाइप्स को जाने, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल को एनालाइज किया आपने, अलग अलग ऑप्शंस लिखे। फैट सॉल्युबल के अंदर फोर आपने लिखा उसके नंबर्स, फोर विटामिन्स की चर्चा की, वाटर सॉल्युबल के अंदर सिक्स विटामिन की चर्चा की जिसको आपने एनालाइज किया सिम्बोलिक लेटर में एंड विथ न्यूमेरिक पार्ट। एंड जस्ट फिफ्थ पॉइंट इज कॉल्ड मिनरल्स, मिनरल्स के अंदर आपने डिस्क्राइब किया उसको बाय द डेफिनेशंस आपको डिस्क्राइब किया, देन टाइप्स ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, यानी कि उसका अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट में अमाउंट ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड मेजर एंड मेजर या और ट्रेस, मेजर यानी मच मोर अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड ट्रेस में लेस अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड जस्ट ऑप्शंस आपने इसको क्लियर किया कि कौन कौन से मिनरल्स हैं। एंड फिर उसके बाद आपने मैंने फिर यहाँ पर एक चीज़ आपको सिक्स पॉइंट के अंदर डाली, वाटर। वाटर की रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर नीडेड होती है, वो कितने टाइप्स और किस तरीके से नीडेड होती है, सारे ऑर्गेनिज्म सिस्टम को कंट्रोल करती है, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो वाटर के बारे में आप लिखोगे यानी सिक्स पॉइंट के अंदर। एंड लास्ट पॉइंट आपका नोट के अंदर आता है बेटा,
नोट के अंदर आपको ये डालना है, ये पॉइंट आपका लिखा हुआ है नोट के अंदर, मैंने रफेज या डाइट्री फाइबर, रफेज और डाइट्री फाइबर के अंदर आपको ये चीज़ें समझनी है कि रफेज या डाइट्री फाइबर क्या है। जस्ट हेल्प इन इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड जस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर। एंड ऑप्शंस आर गुआवा है, कई तरह के वेजिटेबल्स हैं, मैंने अभी चर्चा की, वाटरमेलन है, लेमन है एंड गुआवा है। वेजिटेबल्स में भी आप बता सकते हैं कई सारी चीज़ें जो कहते हैं कि बहुत अच्छी होती हैं डाइजेशन के अंदर, आपको लेनी चाहिए। तो ये इस तरीके से ये ऐसे जो फाइबर होते हैं हमारी बॉडी के लिए जो एक रिक्वायरमेंट होती है उसके सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं, तो कुछ बुरे भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें जाननी होती हैं रफेज या डाइट्री फाइबर में। इसके बाद मैं आपकी एक छोटी सी यहाँ पर और चर्चा करी डाइट के बारे में, बैलेंस्ड डाइट। एंड बैलेंस्ड डाइट कम्प्लीटली यानी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर एंड जस्ट इन्वॉल्वमेंट टू कॉल बैलेंस्ड डाइट, यानी ऐसा डाइट जिसके अंदर आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स इन्वॉल्व हो, ऐसे डाइट को आप बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ये हमें लेनी चाहिए, हमारी डाइट जब तक बैलेंस्ड नहीं होगी तब तक हमारी बॉडी अच्छी ग्रो नहीं करेगी, उसके अंदर बोन की स्ट्रांगनेस या मसल्स की रिपेयरिंग अच्छी नहीं होगी, उसको अच्छा बॉडी की बिल्डिंग सही हो, एनर्जी हो बॉडी में और बिल्डिंग मटेरियल उसका स्ट्रांग हो। तो इस तरह से अगर आपको अपनी बॉडी देनी है, तैयार करनी है, तो आपको डाइट भी बैलेंस लेनी पड़ेगी और बैलेंस डाइट के अंदर आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स जैसा डाइट लेना पड़ेगा डेली। तो आज बेटा वीडियो में आपके इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे अपन कंसीडर करेंगे लेसन में, फिर आगे का नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो लेसन में हम आगे इसके लेंगे। जहाँ तक है नेक्स्ट लेक्चर में आपका लेसन टू कंप्लीट हो जाएगा। एंड बेटा एक चीज़ और बताऊँ मैं, जब लेसन टू कंप्लीट हो जाएगा तो लेसन वन और लेसन टू के क्वेश्चन आंसर मैं एक साथ करवाऊँगी, जिसमें क्वेश्चन आपको स्क्रीन शॉट में दे दूँगी और यहाँ पर उसके आंसर दूँगी, जो आप नोट कर लेना, मैं बोर्ड पे लिख दूँगी तो वो आप नोट कर लेना, उसको SW की कॉपी में नोट करिएगा, एक्सरसाइज फॉर्म में जस्ट SW लेसन वन और लेसन टू। जब ये अपना लेसन टू कंप्लीट हो जाएगा देन हम लेसन थ्री पर आएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से आपके